हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर जो 9 है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे लेक्चर अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 4 to 5 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब अपन उन जो टॉपिक्स हैं उनसे आगे बात करने से पहले थोड़ा सा उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ओके। तो फर्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के बारे में। देखो, मैं अभी आज इस लेक्चर में कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ, ठीक है। न्यू जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं जो अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन पे डिस्कशन कर रही हूँ, उनको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अपन ने क्या पढ़ लिया, क्योंकि आपके देखो बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आपको याद नहीं रहा होगा कि क्या अपन ने पहले पढ़ा था, क्या टॉपिक्स पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, क्लियर। चलो तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन ने क्या देखा था कि ये एक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जनरली अगर अपन इनका आउटलाइन देखें तो अपन ने देखा था यहाँ पे कुछ आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर आयंस हो सकते हैं। देन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसमें एक प्रेजेंट होता है मेटल, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। वन बाय वन हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इसको सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोला, इनको काउंटर आयंस क्यों बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एंटिटी क्या है, सबके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ओके। उसके बाद अपन ने देखा था यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी नंबर में हो सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो एक आउटलाइन था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर अपन देखें तो उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मींस एक टाइप का बॉन्ड होगा जिसमें वन इज डोनर, ठीक है, मींस ए जो है वो क्या होगा? डोनर होगा, ठीक है। और डोनर जो होते हैं, ये चीज बस बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, जो डोनर होंगे दैट आर लैविस बेस, ठीक है। डोनर एटम्स जो होंगे वो लैविस बेस होंगे। लैविस बेस मीन्स इनके पास या तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट जो कंडीशन है, और नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहां लैविस बेस होने के लिए क्या क्या चीजें इनके पास होना चाहिए? या तो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको डोनेट कर सके वो, ठीक है। या फिर इसके पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग भी क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। एंड जो आपका एक्सेप्टर होता है, ठीक है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, दैट इज लैविस एसिड। वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं बेटा? लैविस एसिड, ठीक है। अब लैविस एसिड कौन से होंगे? लैविस एसिड होंगे जिनपे कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज, ओके। जिनपे क्या प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लस उनका ऑक्टेट कैसा होगा? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। तो दोनों ही कंडीशन क्या है बेटा? डेफिशिएंसी की कंडीशंस है, मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है? एफिशिएंसी है। लॉन्ग पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, इट मींस यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। और जब किसी के पास
रेड कर सकता है. क्लियर? और जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज है या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी, वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है. मींस ये होगा लेने वाला और ये होगा देने वाला. ए इज डोनर एंड बी इज एक्सेप्टर. ओके, तो ए जब इलेक्ट्रॉन, अब बहुत सोचने की बात है, बहुत ध्यान रखने की बात है, दैट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स का. ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है. ठीक है, अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोई डोनेट कर रहा है, गिव कर रहा है, जो भी काम है. ठीक है, बट वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है. बट ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स का, पेयर का होगा. ठीक है ना, तो यहाँ डोनर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एंड जो एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा. ठीक है, ये तो हुआ जनरल डिस्कशन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का. मींस ये अगर हम बात करें तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिसमें होगा वो ही किसका फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है. ठीक है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं उनमें नहीं होता. तो देखो मैं कुछ सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर यहां पे बना रही हूं. फर्स्ट इज सिंपल सॉल्ट, सेकेंड इज डबल सॉल्ट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ठीक है, क्या डिफरेंस है तीनों में? सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट है वो क्या होंगे. ठीक है, सिंपल सॉल्ट की अगर अपन बात करें, ठीक है, सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सिंपल मींस वन टाइप का केटायन एंड वन टाइप का एनायन जब कंबाइन होगा, फॉर एग्जाम्पल एम ए सी एम, दिस इज सिंपल सॉल्ट. ठीक है, अब यहां क्या खास बात है, ध्यान से सुना, सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, नॉर्मल जो आपकी कंडीशन होते हैं उसमें वो कौन सी फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे. मींस एनए प्लस सीएल दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी. उनके बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से वो कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. बट जैसे ही आप इसको कौन से मीडियम में डालोगे, एक्वस मीडियम में, जैसे ही आप इसको किसी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, NaCl डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. मींस वन इज केटायन एंड सेकेंड वन इज एनायन. मींस अब ये है सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया. क्लियर, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, कब, जब नॉर्मल सिंपल सॉल्ट होता है, पर जैसे ही आप इनको एक्वस मीडियम में डालोगे ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. प्लस सॉल्यूशन के साथ साथ अब यहां क्या बन गए बेटा, आयंस बन गए हैं. ठीक है, और ये आयंस जो होंगे ये क्या करेंगे, अपने जो डिफरेंट टेस्ट वगैरह है वो शो कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डबल सॉल्ट. अब हम डबल सॉल्ट की बात करें, डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो डबल सॉल्ट होता है जब सिंपल सॉल्ट क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए. ठीक है, सिंपल सॉल्ट से अगर कंबाइन हो जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, डबल सॉल्ट का. ठीक है, अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी आपको बताया था, दैट इज पोटास एलम. ठीक है, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, फिट करें. ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो K2SO4
के पॉजिटिव, कितने के पॉजिटिव, 2 के पॉजिटिव, प्लस SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3। ठीक है, अब सल्फेट कितने हैं, 3 एंड 1 4 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 पोटेशियम है, तो हो गया इस तरह से डिसोशिएट। ठीक है, ये भी डिसोशिएट हो रहा है, कैटायंस और एनायंस बना रहा है, ये भी डिसोशिएट हो रहा है, कैटायंस और एनायंस बना रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, अब मैं लिखती हूँ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मैंने लिखा K4FeCl6। ठीक है, अब इसको अगर मैं वाटर में डिसोशिएट करूं तो ये किसमें डिसोशिएट होगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCl6 4 नेगेटिव। मींस यहां पे अब जो ध्यान से सुनने वाली बात है, Fe2 पॉजिटिव और CN नेगेटिव, इसमें ये डिसोशिएट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज आयरन एंड साइनाइड ये दोनों कहां है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। मींस इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है। तो यहां जैसे ही आप इसको कौन से मीडियम में डालोगे, एक्वस मीडियम में डालोगे, तो ये क्या नहीं होगा, ये वहां जाकर डिसोशिएट नहीं होगा। क्या डिसोशिएट नहीं होगा, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो डिसोशिएट नहीं होगा, ये जो काउंटर आयंस है जो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं वो तो डिसोशिएट हो सकता है, बट जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो डिसोशिएट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो तो हमने कितने टाइप के सॉल्ट्स की बात की, ध्यान से देखो, रिवाइज कर दूं मैं फिर से। फर्स्ट इज सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सॉल्ट वो थे जो इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं। सेकंड इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कौन से थे, जो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, एंड सिंपल सॉल्ट के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, प्लस ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मींस जो क्या होते हैं, आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए वो इजीली डिसोशिएट नहीं होता। क्लियर, यहां अगर अपन बात करें तो अपन ने कितने टाइप के कंपाउंड्स की बात की, लैविस बेस, नेक्स्ट इज लैविस एसिड, लैविस बेस इज डोनर एटम्स एंड लैविस एसिड इज एक्सेप्टर एटम्स। ठीक है, तो ये तो अपनी बात हो गई इंट्रोडक्शन की, कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, ये सब चीजें क्या होती है। क्लियर है, चलो अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, अब अपन बात करेंगे जो टर्म्स अपने यूज आएंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, उन टर्म्स के बारे में। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा अभी मैं फास्ट चलूंगी क्योंकि वो टर्म्स अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तभी अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो अपने यूज आएंगे। चलो तो देखो, फर्स्ट अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट अपने टर्म यूज आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो अपने यूज आएगी दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ही एक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बाकी मेटल की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज लेविस एस।
मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट उतना ही अच्छे से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट रीजन क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मीन्स जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फॉर एग्जाम्पल Mn, मैग्नीज़ हैव प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स मैग्नीज़ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 7 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की, 7 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो जब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इट मीन्स उसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो अगर उसको कोई डोनर इलेक्ट्रॉन देना है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा, बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का भी अपना एक रीजन होता है कि कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, अगर किसी मेटल की डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो क्या कर सकता है, वो बहुत इजीली क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके लिए अगर अपन ट्रांजिशन मेटल्स को यूज करते हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स को यूज करते हैं, तो उसके 3 रीजंस हैं, स्मॉल साइज, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट जो टर्म है या जो नेक्स्ट पॉइंट है जो अपन यूज करेंगे, दैट इज लिगेंड्स, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट जो टर्म है वो अपना है लिगेंड्स, ठीक है। देखो ये टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। अपना जो फ्लो चार्ट बना के और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपन सारे डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। चलो अब लिगेंड्स में अपने पास फर्स्ट टाइप के कौन से लिगेंड्स थे बेटा, मोनो डेंटेट लिगेंड, ठीक है। फर्स्ट लिगेंड कौन से थे, मोनो डेंटेट लिगेंड्स। मोनो डेंटेट लिगेंड्स में क्या एग्जाम्पल पड़े थे बेटा, अपने लिगेंड्स क्या होते हैं, जो डोनर एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेट में अपन ने पढ़े थे जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1 पेयर, मींस सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, उनको अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, क्लियर। लाइक CN, वाटर, OH, NH3, बहुत सारे एग्जाम्पल है, CL, BR, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड इज डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, ठीक है। डाइडेंटेट और बाइडेंटेट में अपन ने क्या देखा था, जो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल्स में बहुत अलग मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये तो जनरल एग्जाम्पल है, आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका नेम होता है आपका इथाइलीन डाई अमाइन, ठीक है। एंड इसका एक और एग्जाम्पल है, दैट इज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। इथाइलीन डाइअमाइन को किससे रिप्रेजेंट करता है अपन, EN से, ठीक है। एंड दिस इज ऑक्सैलेट, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OX, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड के। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉलीडेंटेट। अब जो जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सबको ये दिमाग में आ गया होगा, पॉलीडेंटेट कौन सी कैटेगरी थी, जो क्या करता है, बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिसमें अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल इज EDTA, 4 नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखना क्या था इसका फॉर्मूला, CH2 CH2 N देन N,
नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव, ठीक है। क्या नेम था इसका? इथाइली डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल था पॉलीडेंटेट लिगेंड का, ठीक है। अब देखो, ये तो थ्री कैटेगरीज थी, अब इसकी टू कैटेगरीज और थी, ठीक है। नेक्स्ट टू फोर्थ कैटेगरी थी, दैट इज एंटीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या देखा था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ चुके हैं। एंटीडेंटेट लिगेंड्स में अपन ने देखा था कि जहां टू डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है, टू डोनर एटम्स मीन्स ऐसे नहीं यहां पे टू डोनर एटम्स है, नहीं, वहां पे सिंगल टाइम में एक ही डोनेट करता है, बट पॉसिबिलिटी कितने की है, टू की है, मीन्स कार्बन भी यहां पे डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, CN एंड NC इस फॉर्म में भी कर सकता है। इसके अलावा अपन ने एग्जांपल देखे थे NO2 एंड OF, क्लियर। चलो अब इसका जो लास्ट था, ठीक है, लास्ट जो इसका पॉइंट था वो था आपका लिगेंड्स में जो लास्ट कैटेगरी थी, दैट इज चीलेट लिगेंड, ठीक है। तो अब अगर अपन चीलेट लिगेंड की बात करें तो वहां अपन ने देखा था कि ये बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिंग क्या प्रोवाइड करती है उनको, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्लियर। अब इसमें एग्जांपल्स कोई बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे वो सब चीलेट लिगेंड्स की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो लिगेंड का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आज ये ही हो पाया, बाकी नेक्स्ट एक और लेक्चर में अपन रिवीजन जो कंप्लीट कर लेंगे, जो पीछे का जितना भी है, देन नेक्स्ट लेक्चर से अपन जो आपकी स्टार्ट कर रहे थे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग वो स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये लिगेंड्स के डिफरेंट टाइप्स है।